इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एंडोफ्थाल्माइटिस। एंडोफ्थाल्माइटिस क्या होता है? एक लफ्ज़ होता है एंडोफ्थाल्माइटिस और एक लफ्ज़ होता है पैनोफ्थाल्माइटिस। एंडोफ्थाल्माइटिस इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लेमेशन को एंडोफ्थाल्माइटिस कहते हैं, और सारे के सारे आईबॉल की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैनोफ्थाल्माइटिस। ठीक है, एटियोलॉजी की बात कर लें तो इसको बेस्ट फ्रेंड से याद कर सकते हैं, वैसे भी बेस्ट फ्रेंड BF। ठीक है, बैक्टीरिया हो सकते हैं और फंजाई हो सकते हैं, ज़्यादातर कॉज का बैक्टीरिया होता है, 90% कॉजेज होते हैं। ठीक है, इसमें ग्राम पॉजिटिव के ज़्यादा होते हैं, 90% जो पैथोजन कॉजिंग करते हैं ना वो ग्राम पॉजिटिव के होते हैं, और जो 10% होते हैं वो ग्राम नेगेटिव के होते हैं। सिनेरियो में उन्होंने सुडोमोनास एरिजिनोसा का पूछा हुआ है जो कि ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, तो उसमें सिम्टम्स आएंगे और साइंस आएंगे। सिम्टम्स में VN फॉर ऑल पर, ठीक है, OLPR। VN क्या है? VN क्या होगी? VN लॉस हो रहा है, ठीक है, VN मॉडरेट टू सीवियर VN लॉस हो रहा है। ऑल पर में क्या है? ओकुलर पेन है, L से लैक्रिमेशन है, P से फोटोफोबिया है और R से रेडनेस है। ठीक है, ऑल पर O क्या है? ओकुलर पेन, ओकुलर पेन, L लैक्रिमेशन, P फोटोफोबिया और R रेडनेस। ये सारी बातें सिनेरियो में पूछी होती हैं। इसके बाद साइंस की बात कर लें तो साइंस को हम याद कर सकते हैं केव इन रशिया से। ठीक है, केव इन रशिया, केव पूरा है, इन और रशिया का आई पहले पहले अल्फ़ाबेट है। केव में सी दो हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक सी कंजक्टाइवा और दूसरा सी कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? हेजी होता है, एडिमा हुआ होता है, और कंजक्टाइवा क्या है? कंजेशन हुई होती है और कोई मॉसिस हुई होती है। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने सिनेरियो में की होती है आइलैंड्स। ठीक है, ए से बात करें तो इंटीरियर चैम्बर होता है, तो इंटीरियर चैम्बर में क्या है? फाइब्रिनस एक्जुडेट है और हाइपोपायोन है, एक्जुडेट और हाइपोपायोन पस आई हुई है। इसके बाद वी की बात करें तो वी में विट्रियस एक्जुडेशन होती है। ठीक है, विट्रियस एक्जुडेशन होती है, और इसका जो उन्होंने पूछा होता है ना सिनेरियो में, वो पूछा होता है ये विट्रियस एक्जुडेशन है, तो इसका सिनेरियो में पूछा होता है कि विट्रियस इकोजेनिक शेडोज मिलते हैं बी स्कैन में। ठीक है, विट्रियस इकोजेनिक शेडोज मिलते हैं ऑन द बी स्कैन, इसका मतलब है कि ये इसका सिनेरियो है। नेक्स्ट आदत है वी, आगे है ई, तो ई है हमारे पास आईलिड, तो आईलिड क्या है? स्वलन हुए हुए हैं। आई इन इनका आई क्या है? आईओपी, आईओपी रेज होता है। ठीक है, शुरू शुरू में आईओपी रेज होता है और बाद में वो फाल कर जाता है। रशिया में आर क्या है? रेड रिफ्लेक्स, रेड रिफ्लेक्स लॉस होता है। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं केविन रशिया सी कंजक्टाइवा में कंजेशन है कि मोसिस है, कॉर्निया में हेजी है, एडिमा हुआ है, वी में विट्रियस एक्जुडेशन है, ई से आईलिड स्वॉलन है, आई से क्या है? आई से आईओपी पहले रेज होता है बाद में फॉल कर जाता है, आर से क्या है? रेड रिफ्लेक्स लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम? इसको हम इंटीरियर पिट्स से कर सकते हैं, में इंटीरियर से आता है इंटीरियर सेप्टिनॉन एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ठीक है, पी से क्या है? पार्श प्लैना विट्रेक्टमी करते हैं। टी से क्या है? टॉपिकल थेरेपी है, और एस से क्या है? एस से सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हैं। आई से मैंने बताया नहीं, इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। काफ़ी अब दो इंजेक्शन लगाए हैं, सेप्टिनॉन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए हैं, विट्रस में इंजेक्शन लगाए हैं, इसके अलावा टॉपिकल थेरेपी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सिस्टेमिक थेरेपी, चार एंटीबायोटिक्स हैं और एक पार्श प्लैना विट्रेक्टमी है। इंट्राविट्रियल में बात करें तो इसको हम सेफ्टेजिडाइम, वेंकोमाइसिन और अमीकासिन देते हैं। ठीक है, टॉपिकल में भी यही है, वेंकोमाइसिन और सेफ्टेजिडाइम सेम है। उसमें क्या था? वेंकोमाइसिन सेफ्टेजिडाइम, इसको केव से कर सकते हैं। उसमें क्या अमीकासिन था, इसमें उसके अलावा स्टीरॉयड्स देते हैं। ठीक है, इस टॉपिकल थेरेपी में दो तो एंटीबायोटिक्स दे दी ना, वेंकोमाइसिन और सेफ्टेजिडाइम, इसके अलावा इसमें टॉपिकल थेरेपी में स्टीरोइड्स देते हैं और साइकोप्लेजिक एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन 1% यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसको हम PCO से कर सकते हैं, से क्या है? पैनोफ्थाल्माइटिस, थी से क्या है? कंप्लीट लॉस ऑफ VN, और से क्या है? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। पैनोफ्थाल्माइटिस क्या होता है? होल आई बॉल, जिसमें उसका जो अटेंडेंस कैप्सूल होता है वो भी इन्वॉल्व हो जाए ना, उसको हम कहते हैं कि पैन ऑफ्थाल्माइटिस, मतलब अंदर आई के स्ट्रक्चर्स ख़राब हैं, तब अगर बाहर का जो और पूरा आई बॉल और बाहर का जो कैप्सूल है वो भी ख़राब हो गया, तो उसको हम कहते हैं पैन ऑफ्थाल्माइटिस। इसकी एटियोलॉजी की बात कर लें तो अनरिजॉल्व्ड एंड ऑफ्थाल्माइटिस होता है ना, वही कन्वर्ट हो जाता है पैन ऑफ्थाल्माइटिस में।
सिम्टम्स की बात कर लें तो इसमें ऑक्युलर पेन होती है, हेडेक होती है, उसमें क्या था माइल्ड और माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर विजन लॉस था, इसमें काफ़ी इसमें ज़्यादा विजन लॉस होता है, ख़त्म हो गई, ख़राब सारी हो गई, ठीक है ना, कम्प्लीट लॉस ऑफ विजन हो रहा है। साइंस इसके भी सेम ही है, बस इस बाकी एक डिफरेंट है, उसमें एक्स्ट्रा ऑक्युलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पेनफुल होती है, ये इसकी वजह से बस ये पॉइंट है जो डिफरेंट करता है एंडोफ्थैल्माइटिस से, ठीक है। लिड में इसमें भी एडिमा हुआ, हाइपरीमा हुआ, कंजक्टिवा में कंजेशन हुई है, क्विमोसिस हुई है, कॉर्निया हेजी है, इंटीरियर चैम्बर में क्या है पास है उसमें भी हाइपोपायोन थी, ठीक है। इसके अलावा आईओपी रेज है, उसमें आईओपी रेज होने के बाद में फॉल कर जाता है। कॉम्प्लिकेशन उसकी क्या थी, पीसीओ थी, पैनोप्थैल्माइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इसमें भी एक ऑर्बिटल सेलुलाइटिस वाली वही है, इसको कम से कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस वाली वही है, बाकी जो कम में जो बाकी है ना वो क्या है, वो से ब्रेन की है, कम में सी कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाता है, एम मेनिनजाइटिस और ई एनसेफलाइटिस। ट्रीटमेंट की बात कर लें तो इसमें सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, और इसके अलावा अब सारी आई ख़राब हो गई है तो सारा आई बॉल हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एविस्ट्रेशन ऑपरेशन। आई बॉल रिमूव क्यों कर देते हैं, ताकि इन्फेक्शन जो है ना ब्रेन में ना चले जाए, आगे इंट्रा ब्रेन में ना चले जाए, ठीक है, क्योंकि कम में फिर मेनिनजाइटिस हो सकता है, इंसेफलाइटिस हो सकता है, वन साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब इसमें तीन ए हैं और एक एविस्ट्रेशन ऑपरेशन है। एनर्जेसिक्स देनी है, पेन बहुत हो रही है उसको, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी देनी है, और इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है। इसके डिफरेंस आता है एंडोफ्थैल्माइटिस और पैनोफ्थैल्माइटिस का, डिफरेंस करें तो सबसे पहले डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में क्या है कि इंट्राकुलर स्ट्रक्चर्स ख़राब होंगे तो एंडोफ्थैल्माइटिस, अगर होल आईबॉल और उसका टेनन कैप्सूल भी ख़राब हो गया तो उसको पैनोफ्थैल्माइटिस कहते हैं। इटियोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया और फंजाई एंडोफ्थैल्माइटिस के थे, और अनकंट्रोल्ड एंडोफ्थैल्माइटिस हो तो पैनोफ्थैल्माइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोग्नोसिस एंडोफ्थैल्माइटिस का गुड होता है, लेकिन अगर पैनोफ्थैल्माइटिस हो गया तो एविस्ट्रेशन करानी पड़ती है, पूरा पूरा आईबॉल निकालना होता है। सिम्टम्स की बात करें तो रेडनेस, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया हो रहा होता है, और लेकिन पेन नहीं होती, ठीक है ना, पेन नहीं होती, और वीएल लॉस भी कंप्लीट वीएल लॉस कॉम्प्लिकेशन में तो हो सकता है लेकिन सिम्टम्स में नहीं होता हो, लेकिन जो पैनोप्थैल्माइटिस है उसमें सीवियर पेन होती है और वीएल लॉस हो रहा है। इंटीरियर चैम्बर की बात करें तो इस इंटीरियर चैम्बर में दो चीज़ें थी, एंडोप्थैल्माइटिस में हमने पढ़ा फाइब्रस एक्सुडेट्स था, और इसके अलावा हाइपोपायोन था, जबकि उसमें सिर्फ पस है, ठीक है, पैनोप्थैल्माइटिस में सिर्फ पस थी। आईओपी की बात करें पहले हाई होता है एंडोप्थैल्माइटिस में और फिर लो हो जाता है, जबकि पैनोप्थैल्माइटिस में हाई ही रहता है। एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स नॉर्मल होती हैं एंडोप्थैल्माइटिस में और पैनोप्थैल्माइटिस में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, यही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है। कॉर्निया की बात करें तो हेजी होता है इन द एंडोप्थैल्माइटिस, और क्लाउडी और एडिमा हुआ होता है इन द पैनोप्थैल्माइटिस। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पीसीओ से पैनोप्थैल्माइटिस, कम्प्लीट लॉस ऑफ विजन और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, और पैनोप्थैल्माइटिस में कम से हमने की थी कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, मेनिनजाइटिस एंड एनसेफलाइटिस। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्यूबुलर ट्रैक्ट, थैंक यू।